छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की का रेप होना चाहिए। मुझे बस ये बताओ, आपको भी सोच बदलने और कितना मत चाहिए? दुनिया उलट पलट हो गई, अब तो दादियां भी मॉडर्न हो गई, लेकिन दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की शायद तुम्हारी आदत ना हो। मैं तुमसे ये पूछूंगी कि क्यों 2 महीने की लड़की का रेप होता है, या फिर क्यों 80 साल की बुढ़िया को कोई क्यों बचा नहीं पाता है? क्योंकि इसका जवाब तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो शायद बुढ़ी के रेप होना भी होगा। जब तुझे मेरे घूमने में शर्म ना आई और ना उनकी भाषा अपनाने में, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आता क्या गलत था उनकी पोशाक में। सिखाओ हमें नहीं कि क्या पहनना है, सीखो खुद कैसे विचारों को अपनाना है। लड़की ने आवाज उठाई तो उसे बच्चरन ठहराया, लड़की ने आवाज उठाई तो उसे बच्चरन ठहराया, शायद ऐसे ही विचारों की वजह से आज मेरा देश आगे ना आ पाया। एक लड़की की हवस की वजह से कितनी लड़कियों को जीने से रोकोगे? उनकी पहनने छुपने बैठने की तौर तरीके आप किसके पद पर रोकोगे? बैठ जा तुम भी जाके अपने घर, क्योंकि बाहर निकलने से तो रेप होता है। कपड़ों की लंबाई को ऊपर से कदम हटाने का बस एक जरिया ही होता है। और तसल्ली क्या कि घर पर भी वो सुरक्षित ही होगी? आजकल तो सगा भाई भी वहां अपनी बहन को छोड़ता है। तुझे क्या समझ आनी है ये बात, रेप होती लड़की को बचाने के लिए तुम शायद देखते होगे चार बार, लेकिन बस इतना समझ लेना, जिसकी नजर हो बुरी, जिसकी नजर हो बुरी वो कपड़ों से ढकी लड़की को भी उखाड़ा देख लेगा, और जो सच्चा मर्द हो ना वो उखाड़ी लड़की को देख भी मुंह मोड़ लेगा। तेरे लिए सम्मान दस्ता है लोगों के कपड़ों में, और मेरे लिए उनके सोच विचार का। छोटे कपड़े हाथ में ड्रिंक और सिगरेट हो गए तो कोई लड़की इनवाइट नहीं कर रही, घर पे बैठे भी उस लड़की को देख कितने लड़कों को भी अपनी फोटो भेज रही। तफावत देखे अगर तो समझने की कोशिश कर, रेप होने का होता है हर लड़की को डर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटों को संभाल नहीं पाए तो आ जाओगे लड़कियों पर रोक लगाने। ये तो बात हुई ऐसी, कांड भी तुम करो और गाली भी हमें दो। ये तो बात हुई ऐसी, कांड भी तुम करो और गाली भी हमें दो। जल कर चुका है तुम्हारे विचारों पर, हमें थोड़ा भूलने की जगह दो। फिर माफी मांगने से गुनाह खत्म नहीं होता, क्योंकि ये कर्म है मेरे दोस्त साथ कभी नहीं छोड़ता। एक लड़की को जब छेड़ते हो तब उसका भी अंत होता है, निर्भया के रेप का किस्सा तो आज भी उसका खून खोलता है। तब सिखाया पहले आवाज निकाल खुद के लिए बोल, तब सिखाया पहले आवाज निकाल खुद के लिए बोल, अब जब बोलती है तो कहते हो अपने व्यवहार को समाज के साथ खुल। कैसे न्याय की अपेक्षा रखे तुमसे, कैसे न्याय की अपेक्षा रखे तुमसे, तुम तो खुद अपंग हो। सीना कान में हमें जो बदनामी अपनानी पड़े तुम तो वो कलंक हो। हर बात पॉलिटिक्स पर आके नहीं रुकती, कुछ हम पर भी निर्भर है। देश का विकास तो हुआ लेकिन हमारी सोच आज भी गुलगुल है। इसलिए एक बात समझ लो, रेप होना हमारी गलती नहीं, गलती तुम्हारी परवरिश में है, गलती हमारे छोटे कपड़ों की नहीं, तुम्हारे लड़कों को दी गई सीख में है। और अगर अब भी गलत लग रही हो ना तो यहाँ बैठे लड़कों से पूछ, आज या तो मेरी ड्रेस बदलेगी या तो तेरी सोच पूछ।